कैसे हैं आप लोग। मैं पीयूष राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने IBS चैनल पे। आज हम अल्फा न्यूमरिक सीरीज का पार्ट वन लेक्चर करने वाले हैं, जहां पर हम रीजनिंग के जो ये चैप्टर है एकदम बेसिक लेवल पे चालू करेंगे अपने IBPS RRB PO की तैयारी के तहत, जहां पर हम आज इस चैप्टर में एकदम बेसिक लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, कैसे उसको बिल्ड करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम इसके अंदर पूरा हम डिटेलिंग करेंगे। इस चैप्टर के हम टोटल आपके 3 वीडियो आने वाले हैं, जिसमें आप पार्ट वन में बेसिक करेंगे, पार्ट टू में आप थोड़ा सा आप और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, और पार्ट थ्री में आप हाई लेवल और एडवांस लेवल के कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं विद शॉर्टकट्स, वो सब सीखेंगे। तो आज के हम लेक्चर शुरू करते हैं, जो हमारा अल्फा न्यूमरिक है एकदम बेसिक सीरीज है। चलिए चालू करते हैं। देखिए अल्फा न्यूमरिक सीरीज आपको हमें क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए ये जनरली आपके बैंकिंग में आता है, कोई भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर आपको प्रीलिम्स लेवल पे ये 5 मार्क्स को आपको फ्री में दे के जाता है ये पेपर, ठीक है, फ्री में दे के जाता है ये नंबर। और आपको आराम से 2 से 2.5 मिनट के अंदर आप ये सारी सीरीज बना सकते हैं बिना कोई पेन और पेपर के। आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से याद रखना है और वहाँ से आपको चालू करना है। तो हम इस चैप्टर में देख लेते हैं क्या क्या आता है। देखिए जैसे इस चैप्टर के अंदर एक अल्फा न्यूमरिक सीरीज आती है, एक न्यूमरिकल सीरीज आती है, एक वर्ड सीरीज आती है, एक मिसलिनियस टॉपिक आते हैं जो बहुत ही इजी होते हैं, जो आप आराम से इस चैप्टर को बना सकते हैं। याद रहे ये चैप्टर बहुत ही इजी है और आप आराम से इसको 5 नंबर स्कोर कर सकते हैं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर्स को, ठीक है। आज हम बेसिक्स देखते हैं। देखिए आपने देखिए ABCD आपने देखा ही होगा, A to Z तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, बेसिक चीज़ें हैं आपको पता ही होगा। इसके बाद आपने देखिए आपने कभी वॉवल का नाम सुना होगा, वॉवल एंड कंसोनेंट, स्वर और व्यंजन हिंदी में, ठीक है। और वॉवल में आपको पता है क्या होता है, 5 वर्ड्स होते हैं, A, E, I, O और U, क्लियर है। इसके बाद आप एक कंसोनेंट्स हैं, देख लीजिए कंसोनेंट में जो रेस्ट वर्ड बचे हैं वो होते हैं, यानी टोटल 21 वर्ड्स जो बचते हैं आपके वो कंसोनेंट्स होते हैं। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए आपके सामने ये जो सीरीज़ है आप देख रहे हैं, जो A से लेके Z तक है, आपको इसको लेफ्ट मानना है, क्लियर है, और इसको आपको राइट मानना है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको, आप आने वाले सारे अभी धीरे धीरे आपको आइडिया आता जाएगा कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ इसको लेफ्ट और इसको राइट माने, क्लियर है। अब चलिए कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक सीरीज़ है, सी से स्टार्ट है और बी से ख़त्म हो रही है, ठीक है। उसमें CUBAE करके बहुत सारी वर्ड्स आपके दिए हुए हैं, जिसमें अभी आपको ये क्या है, इसको आपको एक डिसाइड करना है कि ये जो पार्ट है, ये जो डायरेक्शन है, जो यहाँ से आप शुरुआत करोगे उसको आप लेफ्ट बोलोगे और ये है राइट, जो आप यहाँ से शुरुआत करोगे उसको आप राइट बोलोगे, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, क्लियर है। चलिए मैं एक बार रफ कर देता हूँ, चलिए एक बार मैं रफ कर देता हूँ तो थोड़ा सा आपको क्लियरिटी आ जाएगी। और देखिए इसको आपको लेफ्ट मानना है, यहाँ से काउंट होगा, और इसको राइट मानना है, क्लियर है ना। अब चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए विच कैरेक्टर इज अ थर्ड राइट फ्रॉम द राइट एंड, क्लियर है। देखिए ये रहा आपका राइट एंड, ये रहा आपका लेफ्ट एंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा कैरेक्टर आपका थर्ड राइट है राइट एंड से, क्लियर है, थर्ड राइट है राइट एंड से। अभी रहा राइट एंड, थर्ड राइट काउंट करिए यहाँ से, 1, 2 एंड 3, क्लियर हुआ। देखिए क्या आंसर है आपका, इसका आंसर सी है। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। थर्ड राइट फ्रॉम द राइट एंड, तो थर्ड राइट क्या है आपका, ये रहा सी, आपका आंसर क्या होगा, सी। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए विच कैरेक्टर इज अ फिफ्थ लेफ्ट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, क्लियर हुआ। जैसे ये रहा लेफ्ट, ये रहा लेफ्ट एंड आपका, तो देखिए लेफ्ट एंड से 5वां कैरेक्टर क्या होगा, चलिए काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो आपका आंसर क्या है, ई। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा लेफ्ट एंड और राइट एंड में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये रहा बेसिक क्वेश्चन है, जो चीज़ें मैंने आपको समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये मैंने लेफ्ट राइट का यूज़ किया है। चलिए अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर आते हैं, क्लियर है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में। देखिए इस कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपको एक प्रिसीडेड नाम का वर्ड पता ही होगा,
देखिए प्रिसीडेड, ठीक है, प्रिसीडेड और फॉलोड, क्लियर है? ये दो वर्ड आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, प्रिसीडेड यानी कोई चीज पीछे का, फॉलो, अगर मान लीजिए कोई एक यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल के देख लेते हैं, चलिए प्रिसीडेड फॉलोड का, जैसे ए बी और सी, क्लियर है? तो देखिए बी का प्रिसीडेड क्या है, बी का प्रिसीडेड ए है और बी का फॉलोड क्या है, सी है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा आपको, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए बी का प्रिसीडेड क्या है, ए है और बी का फॉलो क्या है, सी है। क्लियर हुआ? उसी हिसाब से सी का प्रिसीडेड क्या है, बी है और ए का फॉलो क्या है, बी है। आई होप सो आपको काफ़ी कुछ क्लियर होने हो रहा होगा, क्लियर है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, अब मैं वापस से इसको रिपीट करता हूँ एक बार। देखिए ए बी और सी, क्लियर हुआ? तो देखिए बी का प्रिसीडेड क्या है, ए है, बी का फॉलो क्या है, सी है। क्लियर हुआ ना अभी आपको? चलिए सी का प्रिसीडेड क्या होगा, बी होगा, ए का फॉलो क्या होगा, बी होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो इस शॉर्टकट को हम इसको ऐसे याद रखते हैं, पी एफ से, क्लियर है? तो हम क्या बोलते हैं इसको, पी एफ, बहुत बढ़िया, पी एफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, उससे आपको पी एफ से इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। चलिए अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे, देखिए क्या लिखा है, देखिए हाउ मच कंसोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ सिम्बॉल, क्लियर हुआ? तो देखिए ऐसे कितने कंसोनेंट हैं यहाँ पे, ये सीरीज के अंदर ऐसे कितने कंसोनेंट हैं जो किससे प्रिसीडेड नहीं हो रहे हैं, सिंबल से नहीं हो रहे हैं, मतलब एक सिंबल है यहाँ पर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मान लीजिए यहाँ पे एक सिंबल है, ठीक है, ऐसे कितने कंसोनेंट हैं अबव अरेंजमेंट विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई अ सिंबल, यानी सिंबल के प्रिसीडेड यानी पीछे नहीं आना चाहिए, क्लियर हुआ? ऐसे कितने कंसोनेंट हैं, चलिए वापस एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसे कितने ही कंसोनेंट हैं जिनके प्रिसीडेड यानी जिनके पीछे सिंबल नहीं आना चाहिए, क्लियर हुआ अभी आपको? ऐसे कितने ही कंसोनेंट हैं जिनके पीछे सिंबल नहीं आने चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है, क्लियर हुआ? अब ऐसे चलिए कंसोनेंट ढूंढते हैं अपने, देखिए कंसोनेंट्स कहाँ है आपके, देखिए पी, पी के पीछे देखिए सिंबल है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब बी है, देखिए बी के पीछे सिंबल है तो हमारा आंसर ये नहीं होगा। एच, देखिए एच के पीछे क्या है, नंबर है, तो ये रहा हमारा पहला, क्लियर हुआ भी आपको? अब आगे देखिए टी है, ठीक है, टी के पीछे क्या है, जी है, यानी ये आपका क्या है, वर्ड है, यानी इसको भी आपको काउंट करना होगा, ए को आप नहीं ले सकते, क्लियर हुआ? ए को आप नहीं ले सकते, पर देखिए यहाँ पर आपको वाई है, वाई के पीछे ए है, ठीक है, तो यानी आप वर्ड्स तो ले ही सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए यू नहीं ले सकते, देखिए एल, ठीक है, एल कंसोनेंट है और उसके पीछे नाइन है, यानी इसको भी आप ले सकते हैं। आगे देखिए सी है, सी के पीछे देखिए सेवन है, यानी इसको भी आप ले सकते हैं, क्लियर हुआ? अब देखिए कंसोनेंट ये रहा, उसके पीछे सी है, यानी ये भी रहा, देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना, देखिए मोर देन 3, इसका आंसर क्या आएगा, मोर देन 3। आई होप सो अभी आपको क्लियर हुआ है थोड़ा सा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देखिए क्या बोला है, ऐसे कितने ही लेटर्स हैं इन अबव अरेंजमेंट विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई ए नंबर, इन्हें देखिए ऐसे कितने ही लेटर हैं जो नंबर फॉलो कर रहे हैं, क्लियर हुआ, यानी उनके आगे नंबर होना चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं लेटर और नंबर, चलिए लेटर एंड नंबर, चलिए थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं इसको, क्लियरिटी आ जाएगी अपने को। चलिए बहुत बढ़िया, वो क्लियर है अब, चलिए चलिए बहुत बढ़िया आगे आते हैं। चलिए लेटर ये रहा, अब नंबर ढूंढ लेते हैं, देखिए नंबर उसके आगे लेटर, देखिए लेटर और उसके आगे नंबर, तो ये रहा एक, ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, देखिए लेटर उसके आगे ये रहा नंबर 2, क्लियर हुआ? आगे देखिए लेटर उसके आगे नंबर होना चाहिए आपका, देखिए लेटर उसके आगे नंबर, क्लियर हुआ? देखिए 2 तो दिख गए आपको, आगे 4 उसके आगे नंबर होना चाहिए,
लेटर और नंबर होना चाहिए। देखिए तीन, आगे देखिए है कुछ, ये रहा चार। क्लियर हुआ आपको? देखिए आंसर इसका क्या आएगा अभी, आप देखिए नन ऑफ दिस। क्लियर हुआ? लेटर और आगे नंबर, देखिए लेटर आगे नंबर है। क्लियर हुआ आपको अभी? चलिए आगे देखते हैं। देखिए हाउ मैनी मच सिंबल इन अबव आर देयर इन अबव अरेंजमेंट विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए कंसोनेंट बट फॉलोड बाई अ वॉवल। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन ने पूछा है कि यहाँ पे कितने सिंबल हैं, ऐसे ऐसे कितने ही सिंबल हैं ऐसे जिनके पीछे विच इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाई ए कंसोनेंट, यानी इसके पीछे कंसोनेंट आपका नहीं आना चाहिए पर इसके आगे वॉवल आना चाहिए। ये रहा कॉन्सेप्ट इसका। क्लियर हुआ भी आपको इस क्वेश्चन का मतलब? तो देखिए हम सिंपल से हैं, हम सिर्फ सिंबल और वॉवल ढूंढ लेते हैं। चलिए हम इसको रफ कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे देखिए ये रहा सिंबल, उसके आगे नंबर होना चाहिए आपका, यहाँ पे वॉवल होना चाहिए और पीछे आपका यहाँ पे कंसोनेंट आपका नहीं आना चाहिए। क्लियर हुआ? सिंबल और वॉवल देख लेते हैं। चलिए सिंबल ढूंढ लेते हैं, इसके आगे वॉवल नहीं मिला आपको, इसके आगे वॉवल नहीं मिला आपको, देखिए इसके आगे भी वॉवल नहीं मिला आपको। आगे देखते रहते हैं, देखिए इधर सिंबल, उसके आगे आपको वॉवल नहीं मिला। आगे देखते हैं, चलिए इधर देखिए सिंबल, उसके आगे वॉवल नहीं मिला, यानी देखिए एक भी आपको नहीं मिला, तो इसमें आंसर क्या आएगा? नन। क्लियर हुआ आपको कॉन्सेप्ट? आई होप सो आपको प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थर्ड कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपने। देखिए आपको इस कॉन्सेप्ट में एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, ये थर्ड कॉन्सेप्ट है आपका। क्लियर है? देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट में ये बोला है कि जब भी देखिए लेफ्ट और लेफ्ट बोलेगा तो हमेशा माइनस होगा, राइट और राइट बोलेगा तो हमेशा माइनस होगा, लेफ्ट राइट प्लस होगा, राइट लेफ्ट प्लस होगा। इट मीन्स अगर अपोजिट होगा तो हमेशा प्लस होगा और सेम होगा तो हमेशा आपको माइनस होगा। क्लियर हो गया? काफ़ी एकदम सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट राइट क्या है, आइए हम इसको क्वेश्चन के वे में समझते हैं। देखिए ये रहा सीक्वेंस आपका। क्लियर हुआ? अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए विच कैरेक्टर इज थर्ड राइट टू द राइट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द राइट। देखिए राइट और राइट बोला है, मैंने क्या बोला था आपको, सेम है तो माइनस होगा, पर आपको ये याद रखना है आपको हमेशा लास्ट का जो डायरेक्शन है यानी जो राइट है, जो देखिए ये रहा लेफ्ट और ये रहा राइट, जो आपका लास्ट में डायरेक्शन दिया है राइट, उससे आपको मानना है कि आपको राइट में जाना है कि लेफ्ट में जाना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, जो हमेशा आपको लास्ट में दिया होगा राइट, ऐसा लिखा या लेफ्ट या राइट जो भी लिखा होगा लास्ट में, उस डायरेक्शन से आपको काउंट करना है अपने आप को। क्लियर हुआ आपको? चलिए कर लेते हैं इसको। देखिए देखिए राइट और राइट यानी कितना होगा, 4-3 1। क्लियर है? हमको राइट से जाना है तो देखिए राइट का जो मतलब कितना होगा, 1, राइट का पहला, यानी आंसर क्या होगा, देखिए R, आंसर क्या है इसका, देखिए R। क्लियर हुआ भी आपको? सेकंड क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए वापस क्या बोला है, विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट। क्लियर हुआ आपको? यानी देखिए लेफ्ट से लेफ्ट। क्लियर हुआ? देखिए सेम है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस, यानी 7 में से 2 किया तो 5, और देखिए लास्ट में क्या बोला है, लेफ्ट, तो आपको लेफ्ट जब भी दिख रहा है इसका मतलब आपको लेफ्ट से जाना है, मतलब लेफ्ट से आपको 5 काउंट करना है, यानी 1 2 3 4 5, यानी क्या आंसर आया आपका, देखिए एक्स। क्लियर हुआ? चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए ये रहा क्या बोला है, विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम द राइट। क्लियर हुआ? अब देखिए राइट और लेफ्ट, इसका मतलब क्या होगा, 7 + 2 यानी 9। अब देखिए राइट को लास्ट में क्या दिया है, राइट, यानी राइट से आपको 9 काउंट करना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, छोटा डी। देखिए ये रहा आंसर आपका, छोटा डी। आई होप सो काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए लास्ट देख लेते हैं, विच कैरेक्टर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम द लेफ्ट। देखिए लेफ्ट और राइट वापस बोला है, इसका मतलब 7 + 2 यानी 9, पर लास्ट में देखिए क्या बोला है, लेफ्ट बोला है, तो आपको क्या चेक करना है, लेफ्ट से चेक करना है, लेफ्ट से 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी आंसर क्या है आपका, देखिए
काउंट करिए, देखिए डॉलर है, देखिए देखिए मैंने आपको लगभग सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने अल्फा न्यूमरिक के आपको बता दिया है। ये तीन ही कॉन्सेप्ट्स के ऊपर सारी चीज़ें आती हैं। अब जो अगला कॉन्सेप्ट आएगा मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करूँगा, और कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से फटाफट सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं उसको हम चेक कर लेंगे। साथ ही साथ जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ और नंबर सीरीज़ है, हम उसी वीडियो में कवर अप करेंगे। तब तक के लिए टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। और जाते जाते आप हमारे चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। टिल देन गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर।